हेलो, जय हिंद। नमस्कार साथियों, सभी को नमस्कार। सभी एक बार जुड़ जाएं ताकि अपन चर्चा कर लें आरपीएफ की वैकेंसी में। क्या है कि हाल ही में एक नोटिस जारी हुआ है, और नोटिस में क्या चीजें दी गई है आपके लिए, क्या चीज जरूरी है, क्या वैकेंसी जल्दी आ सकती है और कितनी वैकेंसी आ सके। क्योंकि आप पहले भी एक दो वीडियो बना था के लिए डाले हो रहा, ताकि अभी मैं कहीं कि देखो सीपीटी भी कोई लागू को नहीं, सिलेबस भी जो आप पढ़ रहे हो वही सिलेबस अभी कोई अलग से था, पढ़वा की जरूरत को नहीं। क्योंकि लेकिन यह चीज है कि वैकेंसी आओगी तो वैकेंसी के बाद में कितना टाइम आपने एग्जाम में दिया जाओगे, और वैकेंसी आपकी अभी जो एक नोटिस जारी हो तो भी नोटिस से यह संभावना लगाई जा रही है कि वैकेंसी जल्दी ही आ सके। देखो 2018 के बाद में कोई वैकेंसी नहीं, तो जाहिर सी बात है 12,000 के आसपास में पद खाली है, यानी कि कुछ 10,000 बता रहे हैं, कुछ 12,000 बता रहे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट यूं मान सको आपकी 12,000 के आसपास में पद खाली है आरपीएफ में, यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जो रेलवे की जितनी भी संपत्तियां होती है उनकी प्रोटेक्ट करता है, उनकी यानी कि ये सुरक्षा करता। तो वैकेंसी राज्यवार हो या वैकेंसी आपने यानी कि किस हिसाब से हो, तो वैकेंसी यूनिट जितना भी रेलवे का यूनिट है, यूनिट के अकॉर्डिंग आपकी वैकेंसी होगी। तो आपने 37-38 यूनिट होगा या इससे कुछ ज्यादा कम होगा, लेकिन जितने भी यूनिट है यूनिट के अकॉर्डिंग वैकेंसी हो, और कोई स्टेट को कोई इसमें बाउंडेशन को भाई कोई सा स्टेट से कितना स्टूडेंट लिया जाएगा, कोई सा स्टेट से कितना स्टूडेंट लिया जाएगा, वैकेंसी यूनिट वाइज होगी। अभी जो नोटिस आई हो वो ये कि रेलवे अपने 2018 से एक प्रतिबंध लगा रखे हुए, जो रेलवे का कर्मचारी है वह रिटायरमेंट नहीं दे रहा था, यानी कि 2018 के बाद में कोई रिटायरमेंट नहीं गया था रेलवे में। अभी 10-11 दिन पहले एक नोटिस आया, तो उसमें ये यानी कि जो रिटायरमेंट जो ये 4 साल में जिन जिन की भी रिटायरमेंट आई है ना उनको रिटायर कर रहा अभी, यानी कि तो हाई प्रोबेबिलिटी यही है कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ में भी थाने वैकेंसी देखभाल मिल सके, 12,000 के आसपास में वैकेंसी आ सके, बड़ी वैकेंसी होगी। सिलेबस को कोई ज्यादा बड़ो सिलेबस भी कौन आपने मालूम है, सिलेबस आपके यानी कि 120 क्वेश्चन आवे, 120 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन तो आपका जीके का हो जाओ, तो जीके जीएस करंट अफेयर्स से वो सारा ही मिक्स में आओ, 50 क्वेश्चन तो वहां होगा, और 25 क्वेश्चन आपका आ जाओ रीजनिंग का, और 25 क्वेश्चन जो आपका होगा वो आओगा मैथमेटिक्स का। यानी कि कोई ज्यादा बड़ो सिलेबस को नहीं, हिंदी भी नहीं है, और भी कोई ज्यादा सीएटी को लफड़ो भी कौन भाई, पहले सीएटी देना पड़ेगा डायरेक्टली मेन एग्जाम में आप बैठ सको। और आपने मालूम है आपका आसपास में भी कोई आरपीएफ में लगे हो लो, तो यानी कि कोई ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा भी इसमें पहुंच जाओ जो 12वीं पास है, और जो नॉर्मल लेवल से तैयारी कर रहे हो लेकिन तैयारी कंटिन्यू कर रहे हो वो आराम से इन भी सिलेक्शन निकाल सके। क्योंकि पिछली वैकेंसी की बात करूँ तो पिछली वैकेंसी में आपके आराम से यानी कि 72 के आसपास में कट ऑफ रही थी, और जो गर्ल्स जो फीमेल्स थी उनकी 62 के आसपास में जो है कट ऑफ रही थी। तो अब की बार भी कोई ज्यादा यानी कि 2-5 नंबर आप प्लस में मान सकते हो, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद में ही सभी बच्चे हैं वो तैयारी में लगेंगे, तो इसीलिए भाई वैकेंसी आने की संभावना इसीलिए अब इस टाइम पे बढ़ी है कि जो रेलवे है 2018 के बाद में जो भी इनके कर्मचारी रिटायर्ड हो रहे हैं उनको अब रिटायरमेंट दे रहा, तो हाई संभावना यही है कि या तो ई महीना में अगले महीने के आसपास में आपने नई वैकेंसी रेलवे में देखने मिल सके, और 10 से 12 हजार के बीच में भी पद देखभाल मिल सके, और आपने पहले कोई सीईटी नहीं देना हो कोई यानी कि डायरेक्टली मेन एग्जाम में बैठ सको। मेन एग्जाम में अगर आप अच्छा नंबर लिया अच्छा क्वालिफाई कर लिया तो आपने यानी कि फिजिकल के लिए बुला लिया जाओगे, मेन एग्जाम होगा आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इससे जुड़ी आरपीएफ से जुड़ी कोई भी अपडेट होगी तो मैं आपको तुरंत अपडेट करूंगा। जय हिंद, जय भारत।